प्लेसमेंट सीजन आ रहा है कि नहीं, तो बहुत सारे कंपनीज हायरिंग कर रहे होंगे एंड वो इंटरव्यू में एक मेजर चीज पूछने वाला है। क्या है वो? वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। हम सब में मोटिवेशन है। यस, सही सुना, मोटिवेशन। हम जब भी किसी का वीडियो देखते हैं, जब भी किसी का स्टोरी सुनते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन आता है कि ये बंदा कर सकता है या फिर ये रोड मैप है तो हम भी नेक्स्ट एक महीने, दो महीने, तीन महीने यही वाला रोड मैप और या फिर यही वाला पाथ फॉलो करेंगे एंड वी विल बी एंडिंग अप समवेयर इन गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और एनी ऑफ द बिग टायर वन कंपनीज। बट वो मोटिवेशन ज्यादा दिन नहीं रहता है क्योंकि हम एक चीज लैक करते हैं, पता है क्या? वो है कंसिस्टेंसी, आप में और मेरे में। कॉलेज डेज में कंसिस्टेंसी बोल के चीज जो होती है ना, वो एक दिन दो दिन रहती है, बट कहीं ना कहीं दो महीने, तीन महीने या फिर छह महीने के लिए उस कंसिस्टेंसी को ड्राइव इन करना बहुत टफ हो जाता है। सो दिस इज द रीजन टेक यू फॉरवर्ड एक इनिशिएटिव के साथ आ रहा है एंड दैट इनिशिएटिव इज 60 डेज एसडी शीट चैलेंज। तो ये वाला वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या चैलेंज है एंड क्या क्या प्राइजेस है जो आप जीत सकते हो। सो मैंने बात किया कंसिस्टेंसी का, जब मैं प्राइजेस अटैच करूंगा इस चैलेंज के साथ तो आप कंसिस्टेंट होंगे एंड एट द एंड ऑफ 60 डेज यू विल बी इंटरव्यू रेडी। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द एसडी शीट चैलेंज। यस, आई एम लॉन्चिंग अ 60 डेज एसडी शीट चैलेंज। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट इज एसडी शीट, इट इज द शीट व्हिच इज सॉल्वड बाय मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इन आवर कंट्री एंड ऑलमोस्ट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज के पीछे इस शीट का ही हाथ है। एंड अगर आपको सक्सेस स्टोरीज या फिर इसकी क्रेडिबिलिटी चेक करना है, व्हाट यू नीड टू डू इज मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है striver_79, सक्सेस स्टोरीज बोल के एक हाईलाइट है, जाके बस क्लिक करते रहो एंड यू विल गेट ऑल द हाईलाइट्स एंड यू विल गेट ऑल द सक्सेस स्टोरीज। या फिर आप लिंक्डइन पे जाके टेक यू फॉरवर्ड का जो लिंक्डइन पेज है वहाँ पे जाके चेकआउट कर लो एंड वी लाइक हर दिन सुबह हम लोग फीचर करते हैं एक एक सक्सेस स्टोरीज विद अ टैगलाइन एसडी शीट करने का रे बाबा। ठीक है, तो क्या है ये एसडी शीट? थोड़ा बैकड्रॉप देता हूं। 2020 में मैंने ये शीट लॉन्च किया था एंड किसी भी यूट्यूबर ने तब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया था कि एक शीट लेके आते हैं। एज द फर्स्ट वन टू डू सो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा आप जाके डेट देख लेना। सो मैं शीट क्यों लेके आया था? अपने टाइम पे मैं सीपी बहुत करता था एंड डीएसएल को भी मैंने काफी करा था, बट जब इंटरव्यूज आ रहे थे तो क्या हो रहा था, आई कुड नॉट कवर अप एवरीथिंग क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल। अगर मुझे कोई बोले बैक ट्रैकिंग कर, मैं जाके 20 सवाल बैक ट्रैकिंग का नहीं करने वाला इंटरव्यू से पहले। मुझे चाहिए भाई तू मुझे 8-9 सवाल दे दे बैक ट्रैकिंग का एंड उस 8-9 सवाल में मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाने चाहिए क्योंकि मुझे अपने कैपेबिलिटीज पे इतना यकीन है कि इंटरव्यूअर अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा ना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा क्योंकि मैंने एक तगड़ा क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे करके आया हूं। तो अब जो भी पूछेगा उसी के आसपास ही पूछेगा, उस कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछेगा। मुझे तो कॉन्सेप्ट का पूरा ए टू जेड नॉलेज है तो मैं उस सवाल को तोड़ दूंगा। ये शीट इसलिए नहीं बनाया गया कि आप जाके क्वेश्चंस क्रैम कर लो, शीट इसलिए बनाया गया कि आप कॉन्सेप्ट्स लो एंड जो भी क्वेश्चन कोई पूछ रहा है फिर आप इजीली उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। एंड ये वाले शीट पे यू विल गेट एवरीथिंग लाइक एरे से शुरू करके लिंक लिस्ट, ग्रीडी, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, बाइनरी सर्च, हीप स्टैक, क्यूब, बाइनरी ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ट्राइज, सारे डीएसएलगो है इस पे। तो आपको सारे डीएसएलगो के तगड़े तगड़े सवाल मिल जाएंगे विच कवर्स ऑल द कॉन्सेप्ट। तो 180 सवाल है, आपको बस जाके करना है। एंड शीट किसने बनाया है? तो मैंने बनाया है। अगर आपको क्रेडिबिलिटी चेक करनी है तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल नीचे है, यू कैन चेक इट आउट मैं कहाँ काम करता हूँ वगैरह। सो जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है पार्टिसिपेट करने के। पहला रूल है आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विद द लिंक्डइन पोस्ट कि आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद दिस चैलेंज। क्यों? मैंने अभी बताया आपको मोटिवेशन। ये वीडियो देख के आप अभी मोटिवेट होगे, 5 दिन तक मोटिवेट रहोगे कि ये पूरा शीट तो तोड़ना है, 180 सवाल करने हैं एंड एट द एंड ऑफ द 2 मंथ्स आई विल बी इंटरव्यू रेडी। बट क्या आप 2 महीने मोटिवेटेड रहोगे? नहीं। दिस इज द रीजन आई एम आस्किंग यू टू गो एंड मेक अ लिंक्डइन पोस्ट। क्यों? आप अकाउंटेबल होगे, अकाउंटेबल इन द सेंस जब आपने पोस्ट कर दिया है, योर पीएममेट्स आर वॉचिंग, योर बैचमेट्स आर वॉचिंग एंड इट विल बी लाइक बंदे ने बोला था बट खत्म नहीं किया इंप्रेशन। एंड हम अपने लाइफ में इंप्रेशन जमाने के लिए तो कुछ भी करते हैं, लाइक आई हैव सीन दिस, मैं भी खुद इन पर्सन। अगर मैंने कुछ कमिटमेंट कर दिया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म, आई टेंड टू कंप्लीट इट क्योंकि वरना लोग बोलेंगे यार बोला था बट किया नहीं। दैट इज द रीजन मैं कभी भी कोई सीरीज लॉन्च करता हूँ मैं पहले ही कमिटमेंट दे देता हूँ कि मैं इतने वीडियोज लाने वाला हूँ। अगर मेरे में प्रेशर बना रहा है कि यार बोला था अब नहीं करूंगा तो भाई लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, इज्जत की बात आ जाती है। तो पहला रूल इस वजह से। एंड इसका और एक भी रीजन है, अपने को भी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाएगी इतना जो वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं, विल ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ रीच बाय दिस। ठीक है, सेकंड जो चीज है विच इज रजिस्टर एट दिस लिंक, ये वाले लिंक पे आपको रजिस्टर करना है। फोन नंबर इज नॉट मैंडेटरी, यू कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस। नाउ द रीजन वी आस्किंग यू टू रजिस्टर हियर इज क्योंकि जो कोड स्टूडियो है वो आपको लीडर बोर्ड दे रहा है जहां पे आप देख सकते हो कि इंडिया में बाकी कॉलेजेस के बंदों ने कहां लाइक कितने सॉल्व किए कितने दिन में। सो यू कैन एक्चुअली हैव अ हेल्दी कंपटीशन विद योर पीयर्स। अगर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो आप लीडर बोर्ड पे विजिबल नहीं होगे एंड आपको जो कोड स्टूडियो के जो प्राइजेस इन्होंने स्पॉन्सर किया है नॉट बी एलिजिबल फॉर दैट एज वेल। सो प्लीज मेक श्योर यू रजिस्टर। इफ यू फीलिंग की फोन नंबर नहीं देना यू कैन ऑप्ट आउट ऑफ इट एज वेल, लाइक वी हैव केप्ट दैट ऑप्शन एज वेल। ठीक है, थर्ड चीज क्रिएट गिटहब रेपो। रेपो बनाओ, रेपो में हर दिन अगर 4 सवाल कर रहे हो 4 सवाल के जो कोड है उसको अपलोड करो। व्हाई?
क्योंकि कहीं ना कहीं चीटिंग, मुझे चीटिंग अवॉइड करना है। हाँ ठीक है, अब अगर कोई 60 दिन जाके हर दिन 4-4 कोड अपलोड करना है तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो सकता है कि एक बंदा ने आया वो 3-4 दिन में ही सारे कोड अपलोड कर दिया। सो जस्ट टू चेक कि आपने 60 दिन ही सॉल्व किया या फिर आपने 40 दिन में किया या फिर 50 दिन में किया, आई वॉन्ट टू चेक आउट द ग्राफ कि हाँ हर दिन बंदे ने सॉल्व किया। सो दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग यू टू अपलोड इट ऑन गिटहब रेपो। नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड योर गिटहब रेपो, इट्स टाइम टू सॉल्व द एसडी शीट। तो एसडी शीट पे जाना, लेट्स से मैं डे 9 खोला रिकर्शन, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लाइक अगर आपको रिकर्शन नहीं भी आता है तो मैंने लिख के रखा है कि ये वाला प्लेलिस्ट देख लो, पूरा ए टू जेड रिकर्शन का हो जाएगा। अगर आता है तो भाई सीधा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस लिंक एंड यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको C++ जावा कोड चाहिए, कुछ मत करो, इधर जाओ, प्रॉपर देख रहे हो अच्छे से C++ जावा कोड दोनों दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, इजीली चेकआउट कर लो। अगर आप कोई भी दूसरे आर्टिकल्स देखोगे, जैसे डायनामिक प्रोग्रामिंग के आर्टिकल्स हो गए, अगर मैं नैपसैक खोलूं तो यू विल सी दैट इट्स वेरी वेल रिटन। लाइक आप प्रॉपर आर्टिकल्स ही रिवाइज कर सकते हो, आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको लग रहा है कि वीडियो की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन ईजिली चेकआउट दिस, एंड मुझे लगता है यही एक रीज़न है बिकॉज C++ जावा कोड है, वीडियो है, प्रैक्टिस लिंक है, सब एक जगह मिल जाता है। दिस इज़ द रीज़न एसडी शीट इतना फेमस हुआ है इन द later half of the year. Now, once you have solved all the problems, आपने चैलेंज खत्म कर लिया, आपको 40 दिन लग सकता है, आपको 60 दिन लग सकता है, आई डोंट केयर, लाइक बट एट मैक्स 60 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। सो आपको क्या करना है, ये गूगल फॉर्म फिलअप करना है, एंड अगर आप चाहो तो आप पोस्ट कर सकते हो बिकॉज आई फील यू विल बी वेरी हैप्पी दैट यू कंप्लीटेड इट, सो यू कैन डेफिनेटली पोस्ट। एंड एक और चीज़ बताना भूल गया, प्लीज़ यूज़ दिस हैशटैग वाइल स्टार्टिंग द लिंक्डइन पोस्ट, एंड प्लीज़ यूज़ दिस हैशटैग प्रॉपरली, गलतियाँ मत करना, ठीक है। सो ये तो था मोटिवेशन। कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, कंसिस्टेंसी एक ही चीज़ से आएगी, अगर मैं आपको कोई प्राइजेस दूँ, है कि नहीं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि आप खत्म करो एंड यू माइट स्टैंड अ चांस टू विन समथिंग वेरी बिग, वेरी बिग तो नहीं यार, जितना औकात है उतना ही दे रहे हैं। तो जिन्होंने भी एसडी शीट चैलेंज खत्म किया एंड गूगल फॉर्म फिलअप किया है, उनमें से 25 लोगों को मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, रैंडम एल्गोरिथम से सिलेक्ट करूंगा, एंड वी विल हैव टेक यू फॉरवर्ड टी शर्ट। अभी तक पूरे कंट्री में किसी के पास नहीं है, विल बी द फर्स्ट बैच ऑफ टेक यू फॉरवर्ड टी शर्ट्स विच विल बी डिलीवर्ड राइट टू योर डोर स्टेप। यू कैन टेक इट एज अ मोटिवेशन, अगर आपको लगता है क्या ये टी शर्ट, तो आप नहीं कर सकते हो, दैट इज योर विश, जस्ट टेक इट एज अ मोटिवेशन, ठीक है। एंड जो पहले 100 बंदे होंगे ना, जिन्होंने लाइक लीडर बोर्ड पे, कोड स्टूडियो के लीडर बोर्ड पे मैं चेकआउट करूंगा, जो पहले 100 बंदे होंगे जिन्होंने खत्म किया, तो उनको मैं रैंडम तीन बंदों को सिलेक्ट करूंगा, 3 टी शर्ट्स भी दूंगा, प्लस 3 1-आवर सेशन लूंगा। आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हो मेरे साथ, आप 1 घंटे मेरे साथ गप्पे लड़ा सकते हो, आप डिसाइड करोगे आप 1 घंटे क्या करोगे, दैट इज समथिंग विच आई विल गिव टू 3 पीपल। उसके बाद जो लीडर बोर्ड होगा ना कोड स्टूडियो का, उसमें जो पहले 500 बंदे होंगे, उसमें से 30 बंदों को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, पहले 500 में से 30 को, याद रखना, रैंडमली सिलेक्ट होंगे, एंड उनको एक स्मार्ट वॉच मिलेगा वर्थ 2500 to 3500 डिलीवर्ड टू योर डोर स्टेप राइट अवे, ठीक है। बट इसके लिए आपको कोड स्टूडियो पे सबमिट करना पड़ेगा सो दैट आप लीडर बोर्ड पे विजिबल हो, ठीक है। उसके बाद जो पहले 1000 बंदे होंगे एंड जिन्होंने खत्म किया होगा एसडी शीट चैलेंज, उन्हें मिलेगा बॉटल प्लस कोडिंग निंजास का एक टी शर्ट डिलीवर टू योर डोर स्टेप। अगेन कोड स्टूडियो इसको पूरा स्पॉन्सर कर रहा है, ये जो पहला 2 चीज है दैट इज माइन एंड दीज थिंग्स आर स्पॉन्सर्ड बाय कोड स्टूडियो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, कोड स्टूडियो ने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ रिसेंटली टाइप किया है, तो जो भी टॉप परफॉर्मेंस होंगे उन्हें प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगा एट दीज टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अलॉन्ग विद दैट कोड स्टूडियो एंड कोडिंग निंजास को बहुत रिक्वायरमेंट्स रहती है प्रॉब्लम सेटिंग या फिर एसडी इंटर्न्स के या फिर फुल टाइम एसडीज के, तो वो इधर से ही हायर कर रहे होंगे। सो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व एट कोड स्टूडियो एज वेल। हमने इंटरफेस लीड कोड का कोड स्टूडियो का सेम रखा हुआ है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इधर सॉल्व करने में, ठीक है। सो देयर विल बी नो ओवरलैप ऑफ विनर्स, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो 2 प्राइज जीत के जाएगा, जस्ट बी विनिंग 1 अमॉन्ग देम, ठीक है। अब बाकी FAQs मैंने डाल दिया है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप चेकआउट कर लेना। सो क्या आप रेडी हो? अरे यार ऑब्वियसली हो, प्लेसमेंट सीजन आ रहा है, इंटर्नशिप सीजन आ रहा है, DS Algo ब्रश अप करने का इससे बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे बेटर चैलेंज आप खुद को दे नहीं सकते हो, तो इंतजार किस चीज का? आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, चेकआउट कर लो, जरूर से फॉलो कर लो एंड पार्टिसिपेट इन दी एसडी शीट चैलेंज राइट अवे। 60 दिन के बाद मैं इंस्टाग्राम पे विनर्स को अनाउंस कर दूंगा, सो डू फॉलो मी एट इंस्टाग्राम, गोज बाय द हैंडल strive_79। सो वीडियो यहां तक देखे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, इंतजार किस चीज का, हिट दैट सब्सक्राइब बटन राइट अवे। सो यार इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। Broken.